गामराम देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, हम आज सूरजकुंड मेला 2022 फरीदाबाद में जो लगा हुआ है वहाँ आए हुए हैं। और जैसा कि आपको, अगर आपने मेले के बारे में सुना है तो आपको पता भी होगा कि अब की बार मेले का जो थीम स्टेट है वो जम्मू कश्मीर है। और अभी हम जम्मू कश्मीर की स्टॉल या जो हट लगी हुई है उसके पास हैं। तो मेरे साथ जो भाई अर्नब जी हैं वो अभी हैं मेरे साथ में, और वो हमें बताएंगे कि जम्मू कश्मीर से क्या क्या चीज़ें वो हमारे लिए लेके आए हैं। अगर आप भी मेले में आ रहे हो तो अभी आप जल्दी कीजिए, क्योंकि मेला कल तक ही हो रहा है सर। हाँ, तो और मैं तो ये कहूँगा, हमारी पर्सनल राय है, जितने भी हमने और वीडियोज़ बनाई उनमें भी हमने आपसे अपील की है कि ये हमारी संस्कृति को सजोने का, ना केवल इस एरिया की हरियाणा राजस्थान की बल्कि पूरे भारत की संस्कृति और जो ग्रामीण संस्कृति है, ये हैंडमेड जो चीज़ें बन रही है उन सब का अगर आपको दर्शन करना है तो आप सूरजकुंड के मेले में ज़रूर आइए। और अभी मैं स्वागत करता हूँ अर्नब जी का, और उनसे जानना चाहूँगा कि उनके पास क्या ऐसी खास चीज़ें हैं जो आप और हम लेना चाहेंगे। स्वागत है अर्नब जी आपका। नमस्ते। ये जो सारा सामान आप यहाँ देख रहे हैं ये सारे जम्मू के बने हुए हैं। एक्चुअली जम्मू को कभी मौका नहीं मिला था प्रेजेंट करने का अपनी चीज़ों का, तो यहाँ पे जो आप कास ये सब देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं छाबरी। ये बेसिकली हमारे नदी के पास एक तरह की घास उगती है, उस घास को पकड़ के बांधा जाता है और उसके बाद खजूर के पत्ते इस पर लपेटे जाते हैं। ये ऊपर जो लपेटे खजूर पत्ते, ये खजूर के पत्ते ठीक। और उसके बाद इसको साथ साथ स्टिच किया जाता है। किस काम आता होगा ये छाबरी? वैसे तो बहुत अच्छा माना जाता है, इस पर आप सामान भी रख सकते हैं ठीक है, और चाहे तो आप जैसे टॉयलेटरीज हो गए, इसके छोटे छोटे वर्जन भी है, बड़े वर्जन भी है, तो जिसे आप उसको सामान रख सकते हैं। हाँ जी। फिर ये एक फॉर्मेट है इसी का, इस केस में खजूर के पत्ते लगाए गए थे, इस केस में हमने जो अनियन और प्याज के जो पैकेट्स आते हैं ना पत्ते वाले वो लगाए हैं। ये ऊपर इसके जी अंदर का काई घास ही है। हाँ जी। ऊपर इससे लपेटा हुआ है और इसको स्टिच किया गया है। ओके ओके। ये तीसरा थोड़ा सा हमने रिन्यू किया है इसको नया बनाया है, ये ऊन से घेरा गया है, तो इससे पैटर्न बने। जैसे ना हमारी यहाँ जो हरियाणवी है उसमें छाबड़ी जहाँ रोटियां रखते हैं ना, जैसे उस प्रकार से उनको कहते हैं। मेन रीजन तो वही होता था रोटियां रखने का। हाँ जी। बट ये था कि अब नए नए तरीके से चीजों का नया यूज भी चाहिए। रोटियां आजकल वैसे हम पहले बहुत खाते थे, तो होलसेल में रखती थी रोटियां, अब कम लगती है। तो ये छोटा छोटा है, इसमें आप रखे रोटियां खराब नहीं होती है। हमारे पास रोटी बॉक्सेस भी है जो उस तरीके के बनाए जा सकते हैं। आप जम्मू कश्मीर में कहाँ से हो सर? हम छन्नी हिम्मत से हैं। छन्नी हिम्मत मेन जम्मू सिटी के पास, आपके वैष्णो देवी से 40 किलोमीटर नीचे। ओके। जे मेन सिटी में आप आओगे जम्मू की तरफ, हाँ, वहाँ पे हमारा है ठीक है। शिल्पकारी बाजार के नाम पे कंपनी है हमारी। अभी जो आप ये अपनी स्टॉल लगा रखी है सर जी, यही है या हरियाणा में और भी आपने कोई ब्रांच वगैरह ऐसे खुले हुए हैं? नहीं, ये हमने सूरजकुंड में पहला भी यही लगाया है ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कैसे कैसे रिस्पांस है। लोग एक्चुअली पसंद करेंगे कि हरियाणा और जम्मू के जो ट्रेडिशन कल्चर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप लोग किसी हिराना साइड हो गए, यहाँ पे हो गया, पराली का यूज करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो हम यहाँ पे डेट्स का यूज करते हैं। हाँ जी, ऐसी चीजों में मतलब सेम है तो लोग पसंद भी कर रहे हैं ठीक। और पहली बार जम्मू आया है तो लोगों को ज्यादा आइडिया भी मिल रहा है कि क्या हमें ऑनलाइन भी मिल सकती है जी। तो क्या क्या आपका मंच है सर इसको? हमारा बेसिकली जो इंस्टाग्राम में भी हम है, फेसबुक में भी है, नाम से सर? उसका नाम है शिल्पकारी बाजार। शिल्पकारी बाजार के नाम से भी अगर आप किसी भी कारण से इस मेले में नहीं आ पाते हो तो भी जो सर एक बार और आपको अच्छे से बताएंगे कि किस प्रकार से आप इनसे कांटेक्ट करके वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। जम्मू में वैसे 11 टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो जम्मू रीजन बनता है जी। तो मेरे यहाँ पे अभी हमने 4 डिस्ट्रिक्ट्स पूरी कवर कर रखी है। हाँ जी। अभी 6 और है, कोरोना के चक्कर में ज़्यादा कर नहीं पाए थे लोग, पर अब फिर 6 दिन और करेंगी तो और सामान भी आएगा। अच्छा। इसे इसमें एक अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था जी, जी सर जी, जो कि है बसौली पेंटिंग। क्या नाम बताया सर? इसको बसौली पेंटिंग कहते हैं। बसौली पेंटिंग जी। ये जो है ये 800 साल पुराना आर्ट स्टाइल है। अच्छा। जितने भी पहाड़ी पेंटिंग आई ना यहीं से बन के आई है। एक बार कैमरामैन आप प्लीज नजदीक आइए, देखिए सर। ये जो सारे बनाया गया है ये पहाड़ी, जो पहाड़ी पेंटिंग निकली है उसी का, उसका जिसे कह लीजिए आधार है, यहाँ से फिर बाकी पहाड़ी पेंटिंग निकली है। ये हैंडमेड है, ये सब कुछ हैंडमेड है। इसमें जो पेपर यूज किया जाता है वो भी हाथ से बनाते हैं पेंटर। और उसको पीछे क्या संदेश लिखा हुआ है? पीछे इसको डिटेल दी गई कि हम इसमें किस तरीके कलर यूज करते हैं, कौन सा पेपर यूज करते हैं, वो बताया हुआ है। इसकी पूरी जानकारी जो है, बेसिक जानकारी, बनाने वाले कौन है, इसका भी जिक्र है। जी हाँ, उसका भी है। हमारी बंदे का यहाँ पे भी नाम हम लिख देते हैं सारा। ये हमारी शिवाक्षी करके है, उन्होंने शिवाक्षी शर्मा करके है, उन्होंने ये बुकमार्क्स बनाए हैं। अच्छा। इसमें जो पेपर है जिसे मैं बताया था वो हाथ से बनाया जाता है।
और इस पे जो कलर यूज होता है वो स्टोन कलर्स यूज होते हैं। पत्थर को जैसे आप चंदन का टीका लगाते हैं ना घिसते, वैसे पत्थरों को घिस के उनका साइज भी सर बड़ा होता है। एक्चुअली ये तो बुकमार्क के फॉर्म में बनाया है, जो असली होते हैं वो मिनिएचर पेंटिंग्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। अच्छा अच्छा, इसको हमने थोड़ा इनोवेट किया है, हमने इसको बुकमार्क में बनाया, उसके बाद हमने इसको घड़ी में बनाया। हमने कुछ उसके ऑर्नामेंट्स भी बनाए हैं, आप देखिए माला जो है। हाँ जी हाँ जी, वो भी हमने बनाया। जैसे मधुबनी आर्ट में थोड़ा दिखाइए चीजों को, जैसे मधुबनी आर्ट होते हैं, ऐसे आर्ट होते हैं, इनमें ये हर जगह अवेलेबल है। इसमें आपको कपड़ों में मिलते हैं, आपके स्कार्फ में मिलते हैं, तो हम उसी तरीके से इसको भर के ला रहे हैं। हमने इसे बॉटल में पेंट किया है। सामने कपड़े में जो कर रखी है आपने सर जी, ये जो वो जो कपड़ा है जी, वो है आपका जिसे कहते हैं ना सुई धागे का काम है, सुई धागे वाला जी, एम्ब्रॉयडरी है वो। और उधर जो ये जो बनी है फाइबर टाइप, क्या है वो? वो बेसिकली आपके सीमेंट का बेस है, सीमेंट एक डिजाइनर बेस होता है, आप उसमें चीजें रख सकते हो। ये हमारे एक और आर्टिस्ट है, उन्होंने सामान भी रखा जा सकता है। हाँ जी, उसके ऊपर में आप जो देख रहे हो गोल गोल, उसको बिन्ना कहते हैं। पुराने समय में इसको जमीन पे बैठ के खाना खाने के लिए यूज होता था, पर आजकल कोई जमीन पे बैठता नहीं है। बैठना या इसमें थाली रखने के लिए? नहीं, इस पे बैठने के लिए होता था, थोड़ा बड़ा होता था, पर आज कोई जमीन पे बैठता नहीं है, तो ये क्या आपका वॉल हैंगिंग इतना आप यूज कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। और ये जो बोतल सर आपने रखी हुई है, ये बोतलें हैं, जैसे आप लोग कुछ यूज करते हैं तो बोतलें ले जाती हैं, उस बोतल पे हमने कलरिंग की है, बसौली आर्ट को डिपिक्ट किया उस पर। ठीक है, वो भी एक इनोवेशन है। लोग अपने कमरे में बसौली आर्ट ऐसा रखें ड्राइंग रूम में तो अलग ही रुख देता है। हाँ जी, हाँ जी। ये 800 साल पुराना है, इसलिए अभी हम इसकी GI टैगिंग भी कराने की सोच रहे हैं जम्मू का। अच्छा, तो कल हमारे मनोज जी आए थे, हमारे LG आए थे। हाँ जी, उनसे भी इस बात पे शुरुआत की थी हमने, शिल्पकारी ने उनसे बात की थी, तो उन्होंने सपोर्ट दिया है, वो बोल रहे हैं कि हम इसको आगे लेके जाएंगे, GI टैगिंग करेंगे। सो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जम्मू की, हाथ से बने हुए सारी चीज़ें, आप लोग यहाँ आएँ। अगर नहीं आ पाए तो हमारा ये है इंस्टाग्राम पेज है, शिल्पकारी बाज़ार, SHILPKARIBAZAAR, शिल्पकारी बाज़ार, उसमें आप देख सकते हैं, फेसबुक में चेक कर सकते हैं, तो उसमें आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी। तो साथियों, आपको बड़ी बड़ी जो जानकारी थी, अब मैं ये कहूँगा कि बड़ा सा एक रिव्यू था, वो तो आपके सामने हमने रख दिया है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल से देखने, बहुत सारे आइटम हैं, आप आओगे तो कुछ ना कुछ जरूर खरीद के लेके जाओगे, ये आप इतना विश्वास मानिए, इतनी अच्छी चीज़ें बनी हुई है। और जैसा भाई साहब ने ये भी बता दिया कि अगर किसी कारण से आप ना भी आ पाओ तो भी ऑनलाइन भी इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए, आप अपनी संस्कृति से जुड़िए, अपनी परंपराओं या जो हमारी जो पुरानी कल्चर है उसको देखिए, समझिए, और इन जो आर्टिस्ट हैं, ये कलाकार हैं, चाहे वो पेंटिंग के रूप में हैं, चाहे और किसी चीज़ बनाने वाले हैं, इनको आप मोटिवेट कीजिए। इनके अगर आप चीज़ें लोगे तो फिर ये मोटिवेट होंगे, इससे और लोग भी इस फील्ड से जुड़ेंगे, वो भी रोज़गार प्राप्त करेंगे। तो साथ हाँ जी, तो साथियों अभी यही था, इस पूरे सूरजकुंड मेले में हम घूम रहे हैं, सब जितनी भी हमारी ट्रेडिशनल कल्चर्स हैं उनको हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। और अर्नब जी से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत स्पष्टता के साथ इन्होंने सारी चीज़ें रखी है। तो मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि आप ज़रूर विजिट कीजिए मेले की। अभी इतना ही, और किसी जो देसी कल्चर है उसको लेकर फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।